कल से सिर पे कफन बांध रहे हैं। अब घर तभी लौटेंगे इस विश्वविद्यालय में, या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे सर, या बेईमान रहेंगे हम। आप सोचिए कि वो 35 बच्चे जो इन्होंने साइन किए, वो 35 बच्चे सर जब आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है, आईओ भी SC ST केस में SCP रैंक का होता है, इन्वेस्टिगेशन करता है तो आईओ डेटा मांगता है कि बच्चे जो इनके पढ़ाए हैं डॉक्टर ऋतु को वो दो। तो मैंने तो दावा पहले ही कर लिया था कि बच्चे मेरे नहीं हैं, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चलता है कि वो बच्चे मेरे पढ़ाए हो तो है ही नहीं, लेकिन वो बच्चे पूरे कॉलेज में ही नहीं है, वो नाम जो बच्चों का है पूरे कॉलेज में ही नहीं है। भारत विश्वगुरु बनने वाला है और ये चिंदी चोर कुंजी लिखे हुए ये प्रिंसिपल आपको भी कल पता चलेगा। इनका तो इतिहास रहा है, कालिंदी कॉलेज में अनुना मौर्या जी प्रिंसिपल थी, वो भी SC समाज से थी, उनको एक टीचर थी वहां पर, ये इन्होंने इतना तंग किया वहां पर उनको, उन्होंने जो पूरा डेटा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में दिया था इनके व्यवहार का, वो भी डेटा हमारे पास है, वो भी इन्वेस्टिगेशन में आ गया, वो भी कोर्ट में लग गया चार्जशीट के अंदर। इस केस में सर देखिए कि पोटेंशियल से थ्रेट कैसे है। ये जातिवादी औरत डॉक्टर सविता रॉय, ये इतनी बड़ी ग्रस्त मानसिकता, कास्टिस्ट है, इन्होंने तो मुझे कास्टिस्ट कमेंट्स तो बहुत बड़ी किए, जातिगत बहुत बड़ी अपमानित किया, लेकिन मैं बर्दाश्त करती थी क्योंकि नौकरी सबको प्यारी है। आप देख रहे हैं बेरोजगारी इतनी है, नौकरी है नहीं, जब तक बर्दाश्त होता था करते गए। जब हमने भी रिटेलिएट किया कि अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो उनको लगा कि अब इसको निकालना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि इस लड़की का यहाँ होना तो बहुत खतरे की बात हो जाएगी कि कहीं ना कहीं मुझे फंसा देगी। सर आप बताएं, आपने भी कहा कि जाति व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है वो शुरू हो गई है, तो सर शुरू नहीं होगी, हमने लेट देखा है, वो शुरू थी। जिनसे आप जैसी पर्सनालिटीज हजम नहीं हुई सर, क्योंकि एक मुखर आवाज़, एक बुलंद ऐसा टीचर जो अपने अधिकारों के बारे में बोल रहा है, जो युवा को जागरूक कर रहा है, और सबसे बड़ी चुनौती तो सर तब है, सबसे बड़ी थ्रेट तो आप तब हैं कि आप एक इंटेलेक्चुअल की जीती जाती एक हिस्टोरियन हैं, एक मिसाल हैं। तो जब ऐसी पर्सनालिटी हजम नहीं होगी, तो सर हम जैसे युवा जो आपको देख के आप जैसा या मुँह के अंदर जिनकी आवाज़ आती है, तो सर इनसे कैसे हजम होंगे आप बताएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम है डाइवर्सिटी मिशन का। डॉक्टर ऋतु हमारे साथ हैं, आप सब जानते हैं, परिचित हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और वॉरियर अगेंस्ट कास्ट हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दौलत राम कॉलेज में ये पढ़ाती रहीं और बगैर कारण के फर्जी तरीके से ऋतु सिंह को वहाँ की प्रिंसिपल सविता रॉय ने निकाल दिया। ऋतु सिंह चूँकि वॉरियर हैं, इसलिए पीछे मुड़ी नहीं, पीछे हटी नहीं और लगातार लड़ती रही। फाइनली प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज हुआ और मामला भी हाई कोर्ट में है, 30,000 सेशन कोर्ट में, और FIR और बहुत ही संगीन अपराध में एट्रोसिटीज़ का मामला है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्ण व्यवस्था लागू हो गया है? कल से ये धरने पे बैठने जा रहे हैं अनिश्चित काल के लिए। बिल्कुल, तो कल से धरने पे बैठेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पे, जहां अमूमन लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या करेगी, ये सब देखना है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं ऋतु से इस मामले को लेकर, और कैसे पूरे देश में किस तरह का माहौल है, दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरह का माहौल है, ये तमाम चर्चा इस एपिसोड में करने वाला हूँ। ऋतु, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बताओ क्या है मामला, पूरे अपना स्टोरी बताओ जरा। सर स्टोरी तो मुझे लगता है कि अभी जो मस्ती ही करते होंगे वो ही नहीं जानते होंगे कि बस टीवी देखना, खाना पीना, पशु समान जिंदगी जो जीते होंगे वही मेरी और आपकी स्टोरी नहीं जानते होंगे। मैं अपने से तो बाद में शुरुआत करूंगी, लेकिन आपसे पहले करूंगी। क्योंकि जब हम जैसे दलित बहुजन बच्चे जब छोटे गांव में बैठते हैं ना, छोटी जगहों से आते हैं, छोटे शहरों से, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आप अभी का चेहरा नहीं है। आप जैसे पता नहीं कितने बच्चे सपना देखते होंगे मुझ जैसे कि हम भी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे जहाँ प्रोफेसर रतनलाल जैसे लोग मिलेंगे, आपसे लोगों को मिलने का सपना, आप जैसा बनने का सपना। और दलित आदिवासी के अंदर एक हिम्मत आती है कि अगर ये बोल सकते हैं, अपने हक की बात रख सकते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को, जो युवाओं को, बहुजन समाज के, दलित समाज के जो आप जागरूक करते हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा जगती है कि हम भी ऐसे विश्वविद्यालय में पहुँच के कि हम भी ऐसे बात कर सकते हैं। और आपकी अगर डायनेमिक पर्सनालिटी देखें तो ऐसा लगता होगा कि ऐसे अच्छे कपड़े हम भी पहन सकते हैं, ऐसा अच्छा हम भी बन सकते हैं, और ऐसी किताबें हम भी लिख सकते हैं, 17 के करीब आर्टिकल हम भी लिख सकते हैं, ऐसी पब्लिकेशन हमारी भी हो सकती हैं, और अम्बेडकर के बारे में इतना जानना क्या हम भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका जीवन देख कर, आपको देख के, अगर डॉक्टर ऋतु ने सपना देखा, आपको शायद याद नहीं होगा जब फर्स्ट टाइम दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं आपसे मिली थी, तो मुझे कोई मिलाने के लिए लेकर आए थे कि जिनके लिए तुम मीडिया पर देखते हो वो यहीं इस प्रोटेस्ट में खड़े हैं, आओ तुम्हें मिलाएं। तो हम एज ए यूथ
मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ सर, इट इज़ ये सब आपका बड़प्पन है जो आप ये बात कह रहे हैं। तो मैं आपसे शुरुआत करूँगी कि जब इतनी डायनेमिक पर्सनालिटी, सर आप बताएं, आपने भी कहा कि जाति व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है वो शुरू हो गई है, तो सर शुरू नहीं होगी, हमने लेट देखा है, वो शुरू थी जिनसे आप जैसी पर्सनालिटीज हजम नहीं हुई सर, क्योंकि एक मुखर आवाज़, एक बुलंद ऐसा टीचर जो अपने अधिकारों के बारे में बोल रहा है, जो युवा को जागरूक कर रहा है, और सबसे बड़ी चुनौती तो सर तब है, सबसे बड़ी थ्रेट तो आप तब हैं कि आप एक इंटेलेक्चुअल की जीती जाती एक हिस्टोरियन हैं, एक मिसाल हैं। तो जब ऐसी पर्सनालिटी हजम नहीं होगी तो सर हम जैसे युवा जो आपको देख के आप जैसा या मुँह के अंदर जिनकी आवाज़ आती है, तो सर इनसे कैसे हजम होंगे आप बताएं। क्योंकि एक दिल्ली विश्वविद्यालय में छोटे शहर से उठ के आना, पढ़ना, और मेरा तो चलो एक लैंग्वेज ऐसी थी कि सर हमें हिंदी भी नहीं आती थी, सच बताएं। हॉस्टल में रहने का फ़ायदा ये है कि आपको हिंदी बोलना अच्छे से आ जाती है, हम तो पंजाबी और धक्के वाली इंग्लिश थी हम लोगों की, तो पंजाबी से हिंदी आना ही बहुत बड़ी बात है सीखना, और आपको देखना आप जैसा बनना। तो अब इस यूनिवर्सिटी में आके जिस जो आपके साथ हो रहा है, ये तो आपकी पर्सनालिटी, आपका दम कह लो कि आज भी आप सर्वाइव कर पा रहे हैं। जो सर मैं आप जिस धरने पे कल जा रही हूँ वो इसलिए सर कि 2 साल हो गए ऑलमोस्ट मुझे ये लड़ाई लड़ते हैं जी। 2 साल के अंदर सर आपने कहा FIR हो गई है, FIR नहीं सर, आरोपी पे चार्जशीट भी हो गई है। चार्जशीट भी हो गई है, और चार्जशीट के बावजूद ऐसा संरक्षण मिलना, ऐसा सपोर्ट मिलना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रतनलाल प्रोफेसर तो दिख जाते हैं, उनके ऊपर FIR तो दिख जाती है, उनका केस पेंडिंग तो दिख जाता है कि हम आपकी आपके केस में, जो जहाँ तक कि मुझे समझ है कि आपका प्रमोशन इसलिए रोका गया, और यूनिवर्सिटी ये जवाब देती है कि आपका केस अभी पेंडिंग है। अभी उस वो केस फ्रिवोलस FIR है, उसमें कुछ दम भी नहीं। उस केस पे मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैं कोर्ट के अंदर थी और जज भी हंस रहा था कि ये क्या केस है, उस केस में कोई दम ही नहीं है, वो इतना बेकार, और जिसे कहते हैं ना कि आपकी एक भावना ऐसी चीज़ होगी जो 2 मिनट के अंदर राहत हो जाती है, तो कुंडी के अंदर बंद करके रखो ना उस भावना को, बाहर क्यों लेकर आते हो, वो कोई केस ही नहीं है। और इस केस में सर देखिए कि पोटेंशियल से थ्रेट कैसे है, ये जातिवादी औरत डॉक्टर सविता रॉय, ये इतनी बड़ी ग्रस्त मानसिकता कास्टिस्ट है, इन्होंने तो मुझे कास्टिस्ट कमेंट्स तो बहुत बरी किए, जातिगत बहुत बरी अपमानित किया, लेकिन मैं बर्दाश्त करती थी क्योंकि नौकरी सबको प्यारी है। आप देख रहे हैं बेरोजगारी इतनी है, नौकरी है नहीं, जब तक बर्दाश्त होता था करते गए, जब हमने भी रिटेलिएट किया कि अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो उनको लगा कि अब इसको निकालना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि इस लड़की का यहाँ होना तो बहुत खतरे की बात हो जाएगी कि कहीं ना कहीं मुझे फंसा देगी। फिर भी सर हमने कहा कि चलो छोड़ो, हेड ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन है, चलो आए दिन इन लोगों की तो मानसिकता ऐसी है, हमें लड़ना है, हमें डट के अपना काम करना है, आई नीड टू फोकस ऑन माई मिशन। लेकिन इस हद तक वो नीच ग्रस्त मानसिकता की औरत हैं कि उन्होंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट मुझे निकालने के लिए, जो कोर्ट में और कमीशन में यूज़ किया है, एक चिट्ठी झूठी लिखी बच्चों की कि मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, मैं टॉपिक पे नहीं रहती हूँ, मैं क्लास में भाषणबाजी करती हूँ, ये आरोप लगा के वो कोर्ट में भी दे दिया। और जब कोर्ट में, ठीक है मनुवादी कोर्ट है, सर्विस मैटर जब हमारे अगेंस्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया, लेकिन जब हमने कोर्ट के अंदर पहली बारी वो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में आया कि ये फर्जी चिट्ठी, तो महमूद प्राचा जी जो मेरे वकील हैं, जो सच्चे अंबेडकर राइट है, जब उनके पास केस गया, उन्होंने देखा कि इतना सब कुछ, मैंने सारे सबूत उन्हें दिए कि कहाँ कहाँ अपमानित किया, मेरे विटनेस भी मेरे साथ खड़े हुए, उसके बाद जो झूठे फर्जी डॉक्यूमेंट जब वो दिए, और वो 35 फोर्ज किए हुए सिग्नेचर्स, सोचिए 35 बच्चे फोर्ज किए हुए। अब जो SC ST एक्ट लगता है, और देखने की बात यह है सर अगेन कि ये कह लीजिए कि एक पावर है, एक ताकत है जो चल रही है, जब तक चलेगी, अब तो सर सिर पे कफन बांधा है, कल से सिर पे कफन बांधा है, अब घर तभी लौटेंगे इस विश्वविद्यालय में, या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे सर, या बेईमान रहेंगे हम। आप सोचिए कि वो 35 बच्चे जो इन्होंने साइन किए, वो 35 बच्चे सर जब IO इन्वेस्टिगेशन करता है, IO भी SC ST केस में SCP रैंक का होता है, इन्वेस्टिगेशन करता है तो IO डेटा मांगता है कि बच्चे जो इनके पढ़ाए हैं डॉक्टर ऋतु को वो दो, तो मैंने तो दावा पहले कर लिया था कि बच्चे मेरे नहीं हैं, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चलता है कि वो बच्चे मेरे पढ़ाए हुए तो है ही नहीं, लेकिन वो बच्चे पूरे कॉलेज में ही नहीं है, वो नाम जो बच्चों का है पूरे कॉलेज में ही नहीं है, भारत विश्व गुरु बनने वाला है। और ये चिंदी चोर कुंजी लिखे हुए ये प्रिंसिपल आपको भी कल पता चलेगा, इनका तो इतिहास रहा है, कालिंदी कॉलेज में अनुला मौर्या जी प्रिंसिपल थी, वो भी SC समाज से थी, उनको एक टीचर थी वहाँ पर, ये इन्होंने इतना तंग किया वहाँ पर उनको, उन्होंने जो पूरा डेटा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में दिया था इनके व्यवहार का, वो भी डेटा हमारे पास है, वो भी इन्वेस्टिगेशन में आ गया, वो भी कोर्ट में लग गया चार्जशीट के अंदर, कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर रही हैं, ये जातिगत भेदभाव एक के साथ नहीं करती, वहाँ पर भी इन्होंने SC ST कर्मचारियों को बहुत, टीचर्स को तंग किया, तो अब इनके पाले में आ गई मैं, इनको लगा 4 दिन चिल्लाएंगी
कितना बोलेंगे, यूट्यूब पे बोलेंगे चुप हो जाएंगे, कहाँ केस लड़ेंगे, मैं तो सेटर हूँ, मैं तो सब सेट कर लेती हूँ, मैंने तो वाइस चांसलर तक सेट कर लिया, ये क्लेम करती हैं वो, कल हम आपको सबूत देंगे कि कैसे इन्होंने ये सब मिले हुए हैं। तो रजिस्ट्रार भी इसमें पूरे शामिल हैं इस साजिश के अंदर इनके साथ, ये एक नेक्सस इन्होंने बनाया, इनको लगा कि इनके चलाके कोई पकड़ेगा नहीं और हम जैसे लोग बोलेंगे नहीं। लेकिन सर अब सबर की होगी इम्तिहान, हद हो चुकी है, अब वाइस चांसलर साहब को अगर नहीं दिखता तो दिखाया जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रतनलाल को वही डीसीपी गिरफ्तार करने आता है सिर्फ एक एफआईआर पे, और यहाँ पे चार्जशीट जमा होगी और उस डीसीपी को नहीं दिखाई दे रहा, उस एसीपी को नहीं दिखाई दे रहा, और इस प्रिंसिपल को नहीं दिखाई दे रहा जो आपके प्रमोशन रोकते हैं, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि आपने अपराधी को भी कुर्सी पर बिठा रखा है। सविता रॉय, वाइस चांसलर से मिलने की कोशिश की आपने? सर मिलने की, वो तो पार्लियामेंट्री कमेटी में भी आए थे, उन्होंने तो लिख के दिया कि कोई जातिगत भेदभाव नहीं हुआ है, मिलने की क्या कोशिश करेंगे, उनके नज़र में ये अब चार्जशीट जमा हो गई है और वो कहते हैं कि नहीं कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, बिल्कुल चार्जशीट जमा हो गई है, और उनसे मिल उनको बकायदा हमने ईमेल्स किए, लेटर्स लिखे, पार्लियामेंट कमेटी उनको बुलाती है, लेकिन वही है ना कि आज कह लीजिए एक वक्त उनका है कि वो देखना ही नहीं चाहते वाइस चांसलर साहब की उनकी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, क्योंकि दलित आदिवासी तुम मच्छर की तरह ना सर, हम लोग जिनके मुंह में जुबान है उनके लिए कि इनको छूना ही नहीं है, इनके टॉपिक को टच ही नहीं करना, बस इनको कुचल देना है, कि अगर ऐसे चार पांच लोग और आगे तो दलित बहुजन जो बच्चे हैं उनका कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हम भी डॉक्टर रितु जैसे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे हम भी रतनलाल जी बनेंगे, तो ये नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम लोगों को, इसलिए हम दोनों आज इस जगह पर खड़े। चलिए तो कल से रितु सिंह धरने में बैठ रही हैं, मैं भी जाऊंगा उस प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। और क्या आपके केस की वजह से ही विजय सांपला साहब को हटाया गया? सर कह सकते हैं, मुझे पता नहीं सर किस चक्कर में हटाया गया, या उन्होंने, सुनने में तो आया कि उन्होंने रिजाइन दिया है, रिजाइन लिया गया है, रिजाइन लिया गया, ये अपुष्ट सूत्रों से ये खबर आई है। अच्छा हाँ, कि उन लोग थोड़ा रीड एक्शन ले रहे थे, काम कर रहे थे? नहीं सर, हाँ काम तो कर रहे थे सर, नो डाउट काम किया है उन्होंने, उन्होंने हिम्मत दिखाई है और उन्होंने कोशिश की है जस्टिस दिलाने की, उन्होंने मेरे केस में भी एफआईआर के ऑर्डर दिए जब उन्होंने देखा कि ये एक ग्रस्त मानसिकता की औरत, क्योंकि सर अगर आप किसी भी पोजीशन पे बैठे हैं, अगर आप समाज के लिए उधर बैठे हैं और समाज की रिप्रेजेंटेशन लेके आप वहाँ बैठे हैं, तो आपको समाज की सुननी पड़ेगी। आपने कोर्ट को तो चीट कर ही दिया वो फर्जी चिट्ठी लगा के, इन्होंने ऐसी कमीशन में भी वो 35 बच्चों की फॉर्जरी चिट्ठी लगाई, तो जब उन्होंने देखा कि इतनी सारी चीज़ें, और उनके सामने वो भी सबूत आए जो इन्होंने SHO के साथ, अच्छा सर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन्होंने SHO के साथ भी सेटिंग करी थी, SHO के साथ जब पहले केस रजिस्टर नहीं हुआ मेरा फर्स्ट गो में, तो इन्होंने SHO का जुबान बंद करवा दी थी, अब वो किसी भी तरीके से करवाई हो वो कमीशन को पता है, वो कोर्ट को पता है, इसीलिए वो राजीव शाह जो SHO हैं मॉरिस नगर के, वो सस्पेंड हुए हैं मेरे ही केस में। जी 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 जी, चलिए शुक्रिया, और मैं रहूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी आसपास, आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो न्याय के पक्ष में खड़े होइए और रितु सिंह का समर्थन कीजिए कल 12:30 बजे, कल 12:30 आर्ट्स फैकल्टी के बाहर। शुक्रिया।